हेलो, मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। उसके तीन दोस्तों ने एक लड़की के साथ रेप किया है, जिसके साथ यह भी घूम रहा था, और इसे गिरफ्तार किया गया है। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफर करें। इस तरह की फ्रॉड कॉल आपको भी आ सकते हैं, क्योंकि यह घटना आरा के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी है। उनका बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है और दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर उनके पास कॉल आता है। वह कोई और नहीं बल्कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सह समाज सेवी आलोक अंजन उर्फ छोटे हैं, जिनके साथ इस तरह के फ्रॉड कॉल वाली घटना घटी है। आइए सुनते हैं कि फ्रॉड कॉल करने वाले शख्स ने क्या बातचीत की है। ठीक है सर, 10 मिनट के लिए वापसी पे हाँ, वो क्लियर करवा रहे हैं, उनके फादर है, उनको बोलो लेके नहीं जाना है, ले आओ वापसी पे, ले आओ कॉलेज में छोड़ना उसको। हाँ ले आओ। हेलो जी जी, हाँ बोले, मुझे क्या करना है, क्लियर करवाना है, कॉलेज में छोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है? नहीं नहीं, कॉलेज में छोड़ दो भैया उसको, वो कॉलेज में छोड़ दो उसको, क्लियर करा दो। अभी अकाउंट नंबर आप मेरे को, ये जो आपको खर्चा पानी लगा ये आप कहाँ पे जमा करेंगे? आपके पास चल रहा है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? तो कह तो रहे हैं कि अभी हमारे पे गूगल पे चलता है, फोन पे नहीं चलता है। गूगल पे, मैं गूगल पे का आपको अकाउंट नंबर बता रहा हूँ, आप नोट करें, ओपन करें गूगल पे अपना, ओपन करें। सुनिए ना भैया, तो 10,000 अभी खाते में है मेरे। कितना है खाते में, कितना है आपके? 10,000 रुपया है मेरे खाते में। आप 20,000 मांग रहे हैं तो 10,000 ओपन करो, अपना खाता ओपन करो। अभी खाता ओपन करके बताओगे तब ना भैया डालेंगे। खाता ओपन करें? हाँ, मैं आपको नंबर लिखवा रहा हूँ ना, आप लिखे ना, आप अपना गूगल पे ओपन करें। एक उसी मोबाइल से तो बात कर रहे हैं ना सर, इसी में ना मोबाइल चलाते हैं। बोल आप, 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 कर दे। आप हमको हमको बताइए ना, अकाउंट नंबर में डाल देते हैं हम। 9696 9633079913 एक बार क्या नाम आ रहा है एक बार? ठीक है ना ये नंबर? हाँ नंबर ठीक है, क्या नाम आ रहा है? तो 10,000 में हो जाएगा ना? हेलो, 5-5,000 ज्यादा नहीं हो रहा भैया? थोड़ा हम भी पैसा से गरीब है भाई, कुछ कम करके बता दीजिए। अगर लड़की मर गया फिर आपका बेटा नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताओ, ऑफिसर है, आपके भी बच्चे होंगे, दर्द होना चाहिए आपको भी, थोड़ा सा मर्सी तो होना चाहिए। मेरी बात सुने, हम आपके बेटे को एक साइड पे लेके घूम रहे हैं, कल को लड़की मर जाता है तो फिर आपका बेटा नहीं छूटेगा, आपको बता रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, ठंडे दिल से सुनिए। बोलिए। हमारा बेटा पढ़ने गया था, हम तो उसको पढ़ने भेजे थे, यहाँ हम किस तरह मेहनत करके पैसा कमा के भेजते हैं उसको, समझ रहे हैं ना आप? और वो गलत लड़कों के चंगुल में फंस गया, वो तो गलत नहीं ना किया? अब सोचिए कि हम कितना मेहनत करके है, मेरा 15,000 का महीना मिलता है, नौकरी करता हूँ और 15,000 का महीना में काम चलाता हूँ। मेरी बात सुने, आप मुझे ये बातें सब बाद में बताना, अभी आप ये बताएं, आपने अपने बेटे को क्लियर करवाना है या पुलिस स्टेशन ले जाए? नहीं, क्लियर करवाना है भैया, पुलिस स्टेशन ले जाएगा लफड़ा पड़ जाएगा, गरीब आदमी हम कहाँ से दे पाएंगे फिर ज्यादा पैसा? तो फिर आप बताएं, अभी आप गूगल पे या फोन पे चलाते हैं? एक बार मेरा थोड़ा सा बात करा दीजिए, हम पेमेंट व्यवस्था करके करवा देते। 10,000 मेरे अकाउंट में है अभी, 10,000 डाल दें, छोड़ दीजिएगा। नहीं काटेंगे भैया, करा दो जरा, मेरी बात करा दो उससे, क्यों उसके गलत लड़कों के चक्कर में पड़ गया वो। हेलो, आप फोन काहे काट देते हो भैया? हाँ सर, बोले क्या करना है अब आपने? बात करा दीजिए ना मेरे बेटे से। अपने बेटे को थोड़ा सा बात करवाएंगे, क्यों करवाए, इसलिए करवाए?
मैं उससे जानना चाहता हूँ किस लड़के के चक्कर में पड़ गया, कहाँ के लड़के थे वो। जब आपको जब आपको बोला कि आपका बेटा हमारे बेटे जैसा है, जब हम उसे छोड़ रहे थे आप हमारा बात नहीं सुन रहे थे। भैया सुनिए ना, गरीब आदमी है हम भी, देखिए मेरा आप मुझे बोले हमने भी ये बताया था कि आपका बेटा निर्दोष है, संस्कारी बेटा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, हमें तो पता था ना उसका लाइफ खराब हो जाएगा। देखो भैया हम बहुत दूर बिहार रहते हैं, बिहार सुनिए ना, इस बात का पता होना चाहिए ना कि ये मेरे पास कल करे, कम से कम मुझे बताना चाहिए इस बात का। अब बोले मैं तुमको आईडी को बुक दिया, थाने पे लेके आ रहे हैं। बोलो अजय ठाकुर जी, भैया अजय भैया बड़े भाई हो हमारे, आप पुलिस में हो, हम गरीब आदमी है, मेरा नाम जानी रहे आलोक नाम है, हम भैया सबका भला करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करके 15,000 महीना कमाते हैं समझ लो, अब उसमें मेरे खाता में 10,000 रुपया है, अभी हम डाल देंगे बोलोगे तो, लेकिन मेरा बेटा को छोड़ दो, पैर पड़ता हूँ, फिर डाल दूंगा 10,000 बाद में, अभी मेरे खाता में 10,000 रुपया है भैया। हाँ सर, मुझे पैसे से मुझे कोई लालच नहीं था, लालच भी हो ऐसे पैसों पे, सर मैं ये सोच रहा था आपका निर्दोष बेटा है, संस्कारी बेटा है, इनोसेंट बच्चा है, और वो वाला बच्चा है, लेकिन आपको इस बात का पता ही नहीं था। भैया वो लड़के जो तीनों बलात्कार किए तो वो इसके दोस्त हैं कि इसी तरह घूम रहा था उसके साथ? सर उनको छोड़ो, जिसकी वजह से मैंने इसको साइड पे रखा था उसका तो जिंदाबाद हो गया है ना, उन लड़कों का वो तो 5-5 साल का सजा हो गया, उनको 6-6 लाख फाइन लगा है। अभी आपका बेटा था तो मैंने इसे साइड पे रखा हुआ था, आईजी से मैंने टाइम भी लिया था 20 मिनट का कि इसको यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा कॉलेज में, लेकिन आप शो कहाँ किया भैया, अभी तो लिखे हैं हम, अभी तो जल्दी करो ना, फिर आप लाइन पे रह के इधर हो ना, क्या नाम आ रहा है? तो इसमें 10,000 डालेंगे तो छोड़ दोगे ना आप, फिर और मांगोगे 10,000, मेरे पास 10,000 रुपए खाते में है, फिर कल देंगे 10,000, लेकिन छोड़ दोगे ना बेटे को मेरा आज? यार आप 10,000 ही कर दो, मैं आपके बेटे को कॉलेज में ही छोड़ आता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहरवासियों को प्रणाम करता हूँ और सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड से होशियार रहें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि आप आलोक अंजन बोल रहे हो बिहार से, मैं बोलता हाँ बोल रहा हूँ, और उस फ्रॉड के द्वारा ये बताया जाता है कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी तुरंत जेल भेजा जाएगा उसको। मैं बोला कि कैसे, क्या मेरा तो बेटा पढ़ता है कॉलेज में, तो हाँ पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, तो हाँ वो मेरे बेटे का नाम भी बताता है, मेरा नाम भी बताता है, और ये बोलता है कि हाँ आपका बेटा अभी हमारे कस्टडी में है और वो दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर बनता है, दिखता है फोटो में भी, व्हाट्सअप कॉलिंग जो उसने किया उसमें उसका फोटो जो आता है जो वर्दीधारी होता है, और ये डायरेक्ट यही बोलता है कि जल्दी बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स जो है घबरा जाए और घबरा के पैसा दे दे उसको। मैंने बोला कि बात कराओ मेरे बेटे से, तो उसने किसी फ्रॉड लड़के से बच्चे से बात भी कराते हैं, क्योंकि बात में मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, केवल दो शब्द ही बोलता है, पापा पापा बस बचाओ, पापा बचाओ, बस इतना ही बोलता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि चूंकि ये मेरा बेटा नहीं है। उसके बाद तब मैंने उसकी बात को अपने दूसरे मोबाइल से व्हाट्सअप वॉइस मैसेज हम लोग करते हैं उसके माध्यम से मैंने उसकी बातों को रिकॉर्ड किया, जिसमें वो डायरेक्ट यही बोलता है कि आपके बेटे को जेल भेजा जाएगा, पूरी तरीके से आपको डराया जाता है, हताहत कर दिया जाता है, इतने कम समय में इतना तेजी से वो बात करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि कोई भी पेरेंट्स डर के पैसा उसके अकाउंट में डाल देगा, और जो बात भी कराता है और पापा पापा कहने से लगता है कि बच्चा है, और पुलिस की सायरन ये सब आता है उस बात के क्रम में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बचें, और ये लगातार आ जाए, ये डिजिटल फ्रॉडगिरी है। देखिए पहले तो बैंक में एटीएम वगैरह चोरी करके इस तरह का फ्रॉड होता था, लेकिन आज के डेट में इस तरह के बच्चे जिसके बाहर पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि कहीं से ना डाटा ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, डाटा चुराने के बाद इस तरह के फ्रॉड लोग ये काम करते हैं, और किसी का बच्चा प्यारा होता है, अगर किसी के बच्चे का बताया जाता है कि आपका बच्चा बेटा गंदे बच्चों के साथ रहता है, तीन बच्चों ने मिलकर एक लड़की को रेप किया और उस रेप के में ये भी बच्चा घूम रहा था उनके साथ, तो उस स्थिति में पकड़ा गया है, तो अब क्या सोचिएगा बच्चे का अगर हालत सुने, यानी काफी संगीन आरोप लगाकर आपको बहुत गंदे तरीके से आरोप लगाया जाता है। अभिभावकों से क्या अपील करेंगे, उन लोगों से क्या अपील करेंगे जिनके पास इस तरीके का कॉल आता है, तो क्या करना चाहिए आप? मैं सभी अभिभावक से यही अपील करूंगा कि आप सबसे पहले इस तरह का अगर फ्रॉड कॉल आता है तो आप डरे नहीं, उससे बात करें, और बात करते करते के क्रम में आप घबराए नहीं और अपने बच्चे को किसी तरह दूसरे मोबाइल से कॉल लगाएं,
अगर कॉल नहीं भी लगता है तो घबराए नहीं, उसको वर्गलाते रहे, क्योंकि वो डरवाएगा बहुत सारा, धमकाएगा और बोलेगा कि आपके पास फोन पे पेटीएम गूगल पे है, तो आप सीधे बोलिए कि नहीं है, हम उपाय करते हैं, उपाय करके पैसा डालेंगे। उससे डर के थोड़ा सा बात करिए, और बात के क्रम में और उसी बीच में आप अपने मित्र भाई बंधु घर में बीवी जिससे हो उससे बोलिए कि तुरंत बेटे से कांटेक्ट करो। और मैं भी यही किया, और चूंकि मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है उसके पास मोबाइल था, एक फ्रॉड का शिकार होते होते आप बचे। मैं तो बस बच गया, और कुछ दिन पहले मेरे एक स्थिति क्या हुई थी उस समय की स्थिति बताई, जिस तरीके से घटनाक्रम को आप बता रहे हैं कि इस तरीके का आरोप लगाया जाता है, तो एक परिवार में क्या देखिए, सुनने के बाद तो मेरे जमीन घिसक गई पैर से। मुझे लगा कि मैंने बेटा को दिल्ली पढ़ने भेज के बड़ा गुनाह कर दिया, वो जाके किसी गलत संगत में पड़ गया और उसकी लाइफ अब खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत विचलित हो गया था, बट तुरंत ही मेरे ख्याल में आया कि नहीं, मेरा बेटा संस्कारी इस तरह का काम नहीं कर सकता है। और मैंने उस फ्रॉड को थोड़ी सी देर बातों में बांध के रखा, और उसी क्रम में मैं दूसरे नंबर से अपने बेटे को कॉल किया, और बेटा बोलता है मैं कॉलेज में हूँ पापा, तो दूसरे नंबर से उसको म्यूट में डाल के मैंने बात भी कर लिया उसी क्रम में। और उसके बाद मैंने फ्रॉड को पूरा बरगलाया, बरगला के उससे अकाउंट नंबर भी मैंने मांगा, तो उसने अपना अकाउंट नंबर जो होता है वो गूगल पे का एक नंबर लिखाता है, और उस नंबर में दिखाता है और पूछता है बताओ क्या नाम आ रहा है, बट वो मैं उसका नंबर लेके फिर मैंने उसको गाली गलौज करके उसको फोन को काट दिया। तो मैं तमाम लोगों से, अभिभावक से, इस तरह के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं जिनके, उनसे अपील यही करेंगे कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और इस तरह का फ्रॉड लोगों से होशियार रहे। और ये ऑडियो मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ जो आप सुने, और गौर से इस फ्रॉड, इस तरह का फ्रॉड अभी बहुत तेजी से चल रहा है,